इन दिनों विजय देवरकोंडा बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। विजय साउथ इंडस्ट्री के उभरते नए सितारे हैं। टॉलीवुड में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। विजय ने साल 2011 में टॉलीवुड में कदम रखा था, अब वे अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने वाले हैं। विजय धर्मा प्रोडक्शन के तले बन रही पैन इंडिया फिल्म लीगर में अनन्या पांडे के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म लीगर की चर्चा बहुत समय से बॉलीवुड में चल रही है। इस फिल्म से अनन्या पांडे भी तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखने वाली है। इस फिल्म में अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा के अलावा माइक टाइसन भी नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर काफी हाइप बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विजय के फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के अलावा विजय के फैंस के लिए एक और खुशखबरी सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि विजय जल्दी ही अनन्या पांडे के साथ करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में नजर आ सकते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि करण जौहर अपने टॉक शो कॉफी विद करण के सातवें सीजन के साथ वापसी करने वाले हैं। हमने ये भी बताया था कि शो को इस बार OTT पर रिलीज किया जाएगा। इस बार इस शो में साउथ स्टार्स करने वाले हैं शिरकत, ये खबर भी हमने आपको दी थी। अब सुनने में आया है कि करण के इस शो के एक एपिसोड में विजय देवरकोंडा भी नजर आने वाले हैं। ना सिर्फ विजय बल्कि अनन्या पांडे भी अपनी फिल्म लीगर के प्रमोशन के लिए करण के शो पर पहुंचेंगे। शो के करीबी सूत्रों की माने तो विजय देवरकोंडा ने कॉफी विद करण साथ के लिए गेस्ट लिस्ट में जगह बनाई है। मोस्ट प्रोबेबली वे उनकी लीगर को स्टार अनन्या पांडे के साथ दिखाई देंगे। चैट शो की रिलीज डेट और लीगर की रिलीज डेट के आसपास होने की वजह से ये देखते हुए ये एक आदर्श जोड़ी होगी। हालांकि इस बात की लेकर चर्चा थी कि क्या अनन्या की जगह रश्मिका मंदाना उनके साथ शो में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी तक इन खबरों पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है।